हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज वीडियो का टॉपिक प्लूमेरिया यानी कि चंपा प्लांट के ऊपर में है। चंपा कई नामों से जाना जाता है, गुलाबी चंपा, नाग चंपा, सो अलग अलग इसके बहुत सारे नाम हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है जो कि विषम परिस्थितियों में भी आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इस प्लांट को आप कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसे ग्रो करने का सही समय गर्मियों का समय होता है जब तेज गर्मियाँ होती हैं। फरवरी के बाद मई से लेके नवंबर तक इस प्लांट के अंदर में फ्लावरिंग होती है और यही इसका सबसे ज्यादा सही समय होता है कटिंग से ग्रो करने का। तो अभी चल रहा है अप्रैल का महीना और कुछ दिनों बाद 2 से 5 दिनों के बाद में ही मई स्टार्ट होने वाली है और गर्मियां जो है पूरे शुमार पे हैं। तो ये सही समय है चंपा के प्लांट की केयर करने का, इसे ग्रो करने का। सो आज का टॉपिक इसी सब्जेक्ट पे है, प्लांट की कैसे केयर करनी है, इसकी प्रोपोगेशन कैसे करनी है, इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं वो भी मैं बताने वाला हूं। सब कुछ मैं टॉपिक में कवर करूंगा तो मेरे साथ में अंत तक बने रहिए। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे फेसबुक में देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करिए, साथ में अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में रेगुलर अपडेट्स के लिए ऑल बटन पे भी प्रेस करिए। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बगिया की एपीसी। टॉपिक की स्टार्ट हम इसके प्रोपोगेशन से करेंगे। सो प्रोपोगेशन के लिए आपको एक मैच्योर कटिंग ले लेनी है जो कि 3 से 6 महीने तक पुरानी होनी चाहिए और करीब करीब वो आपके अंगूठे के साइज की होनी चाहिए। तो इस तरीके की आपको मैच्योर कटिंग लेके आनी है और उसे करीब 2 दिनों के लिए आपको छांव में छाएदार जगह पे रख देना है, जिससे जो भी मिल्की लिक्विड उसमें से निकल रहा है वो पूरे तरीके से सूख जाए और जो भी कटिंग का एरिया है वहाँ पे एक ड्राई लेयर फॉर्म हो जाए, जिससे जब आप कटिंग को सॉइल के अंदर में प्लेस करेंगे तो वो आपकी सक्सेसफुल होने के चांसेस को बढ़ा देगी और उसमें फंगस की समस्या नहीं आएगी। कटिंग को लगाने के लिए आपको सैंड का और इसके साथ में थोड़ा सा इसके अंदर में सॉइल यानी कि 50-50 सैंड और सॉइल मिक्स करके एक पॉटिंग मिक्स तैयार करके लगाना है। कटिंग को लगाने के बाद में आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि जब भी टॉप सॉइल आपको ड्राई दिख रही है तब आपको इसके अंदर में पानी थोड़ा सा देना है, जिससे वापस से ऊपर की जो सॉइल है वो नम हो जाए। आपको पानी बहुत ज्यादा नहीं देना है और लगातार इसमें पानी नहीं देना है। जब इसके अंदर में 2 से 4 लीव्स आपको दिखने लग जाए तब आप इसके अंदर में नॉर्मल वाटरिंग कर सकते हैं, जैसे भी हम किसी भी प्लांट को करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है और जब तक इस कटिंग के अंदर में आपको लीव्स नहीं आ जाए इसे छांव में रखना है। 1 से 2 लीव्स आने के बाद में इसे आप सेमी शेड में रखिए, सुबह की 1 से 2 घंटे की धूप दीजिए। जब पौधा थोड़ा सा बड़ा दिखने लग जाए, कटिंग में 1 महीने के अंदर में लीव्स आ जाती हैं, तो करीब 2 महीने के बाद में आप इसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं। प्लांट फुल सनलाइट लविंग प्लांट है, तो इसे आप पूरी धूप में आप रखिए, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। चंपा का प्लांट फुल सन लविंग प्लांट है, इसे कम से कम 7 से 8 घंटे की धूप की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको प्लांट को ऐसी जगह पे प्लेस करना है जहाँ पे इसे दिन की 7 से 8 घंटे की धूप मिल सके। लेकिन ये चंपा का प्लांट वास्तु के हिसाब से अगर हम रखते हैं तो और भी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आप इसे जो पूरब है वहां से लेके दक्षिण के बीच में या फिर उत्तर से लेके पश्चिम के बीच में इस एरिया में रखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप इसे उत्तर पूर्व या फिर पश्चिम और दक्षिण के बीच में रखेंगे तो आपको इसके बुरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए पौधे को सही जगह पर रखें और धूप इसे 7 से 8 घंटे की मिल सके, ये आपको सुनिश्चित करना है। चंपा का प्लांट एक हार्डी प्लांट होता है, लेकिन इसे वाटर की रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल प्लांट के जैसी गर्मियों के समय में होती है। अगर सर्दियों के समय की बात की जाए तो इस प्लांट को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। बारिश के समय में पानी देने की वैसे भी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब गर्मियों का समय होता है और तेज गर्मियों का समय हो तो थोड़ा सा पानी इसे ज्यादा लगता है। लेकिन सॉइल हमेशा जब ऊपर की ड्राई देखे तभी आपको इसके अंदर में पानी देना है। अगर आप इसमें जरूरत से ज्यादा पानी देते हैं तो रूट रॉट की प्रॉब्लम हो सकती है जो कि आपके प्लांट को खराब कर सकती है। प्लांट को लगाते समय आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। चंपा का प्लांट बहुत ही ज्यादा हार्डी होता है, लेकिन इसे ऐसी मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है जिसके अंदर में पानी जरा भी नहीं ठहरे। तो आपको यहाँ पे पूरे तरीके से सैंडी सॉइल के अंदर में प्लांट को लगाना है, जिससे पानी मिट्टी के अंदर में नहीं रुकेगा और रूट रॉट की संभावना नहीं होगी। अगर इसके पॉट के अंदर में 1 से 1.5 मिनट में पानी बाहर नहीं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं जो मिट्टी है वो प्लांट के लिए प्रतिकूल है, उसके अनुसार नहीं है। ऐसे में प्लांट खराब हो सकता है।
परसों आपको इसे रिपोर्ट कर देना चाहिए। चंपा को लगाते समय आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि इस प्लांट को लगाते समय जो भी आप पॉट तैयार कर रहे हैं उसके अंदर में जितने भी ड्रेनेज होल हैं वो सारे ओपन होने चाहिए, जिससे पानी नीचे जरा भी नहीं ठहरेगा। अगर इसके अंदर में पानी ठहरता है, मिट्टी चिकनी होती है, एरिएशन कम होता है, तो सॉइल जो है गीली होने लग जाती है, इससे रूट रॉट से प्लांट खराब हो सकता है। इसी के साथ में प्लांट को आपको 2 बार साल में फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता है, एक जब गर्मियों का समय स्टार्ट हो रहा हो और दूसरा जब गर्मियों का समय खत्म हो रहा हो। सर्दियों के समय में और बारिश के समय में पौधे को किसी भी तरह से फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं होती है। चंपा के प्लांट पे आप प्रूनिंग अपनी आवश्यकता के अनुसार पौधे को आकार देने के लिए जैसा भी आपको सही लगता है वैसा कर सकते हैं, क्योंकि एक हार्डी प्लांट होता है तो बहुत तेजी से ग्रोथ करता है और बहुत जल्दी से अपना आकार ले लेता है। सो इस पौधे पे आप प्रूनिंग आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। अगर चंपा के प्लांट की पत्तियों पर आपको भूरे धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे इस बात को समझना है कि प्लांट पे आप वाटर ज्यादा दे रहे हैं। पानी ज्यादा देने से चंपा के प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उस पे भूरे धब्बे ब्राउन स्पॉट क्रिएट होने लग जाते हैं, तो आपको प्लांट के अंदर में वाटर का मैनेजमेंट थोड़ा सा सुधारना रहेगा। अगर आप ज्यादा पानी दे रहे हैं तो उसकी मात्रा थोड़ा कम करिए। जब टॉप सॉइल पूरे तरीके से ड्राई दिखे तभी आपको प्लांट की सॉइल के अंदर में वाटरिंग करनी है। इसके साथ में पौधे को 7 से 8 घंटे की धूप सुनिश्चित करिए, जिससे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। नवंबर के समय जब रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है, बारिश होने लग जाती है, तभी प्लांट अपनी पत्तियों को गिराना स्टार्ट करता है। ऐसे समय में प्लांट को आपको ज्यादा पानी से बचाना है, जिससे प्लांट की रूट्स खराब नहीं हो। इसके साथ में इसमें फर्टिलाइजर आपको पूरे तरीके से अवॉइड करना है। चंपा के प्लांट का वास्तु मैंने आपको बताया है कि इसे किस तरीके से कहाँ पे रखना होता है, लेकिन इस प्लांट के अंदर में अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं तो इससे वास्तु के लाभ मिलना बंद हो जाते हैं। इससे जो पॉजिटिव एनर्जी मिलनी होती है वो हमें नहीं मिलती है, तो आपको चंपा के प्लांट पर कभी भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना चाहिए। चंपा का ये प्लांट अभी 14 इंच के पॉट के अंदर में लगा हुआ है। इससे पहले ये 12 इंच के पॉट में था और जब मैंने इसे कटिंग से ग्रो किया था तब ये 6 इंच के पॉट के अंदर में था। तो फर्स्ट रिपोर्टिंग मैंने इसकी 12 इंच के पॉट में करी थी और फिर वहाँ से मैंने इसे अभी करीब 1 महीने पहले 14 इंच के पॉट के अंदर में प्लेस किया है। और जब ही से मैंने इसे 14 इंच के पॉट में लगाया है तभी से इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। 12 इंच के पॉट के अंदर में भी इसने बहुत अच्छी ग्रोथ करी थी, तो प्लांट की रिक्वायरमेंट थी पॉट को चेंज करना, तो मैंने इसे अभी चेंज किया है। और चेंज करने के बाद में ही इसके अंदर में एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फ्लावरिंग बर्ड देखने को मिल रहा है, जो कि अभी रिसेंटली मुझे आज ही दिखाई दिया है। तो ये प्लांट फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग करने वाला है कटिंग से ग्रो करने के बाद से। तो इस प्लांट को आप इस तरीके से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और जो भी टिप्स मैंने आपको वीडियो में बताई हैं उसे आप फॉलो कर सकते हैं। चंपा का प्लांट पॉजिटिव एनर्जी को लाने के साथ में वास्तु दोष को भी दूर करता है, सो इसलिए घर में लगाना काफी फलदायक होता है। इसी के साथ में इस प्लांट से मिलने वाली छाल और इस पौधे की जड़ें कई दवाओं और बीमारियों में भी काम आती हैं। इसी के साथ में इस पौधे को आप घर के अंदर में इंडोर्स में भी रख सकते हैं जब टेम्परेचर 10 डिग्री से कम हो। कई जगहों पे जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, बर्फ गिरती है या मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, तो इस पौधे को घर के अंदर में भी रख के आसानी से ग्रो किया जा सकता है। एक सामान्य तापमान के अंदर में घर में ये आसानी से ग्रो हो जाता है। इसी के साथ में इस प्लांट से मिलने वाले पुष्प जो कि सुंदर और सुगंधित होते हैं भगवान को अर्पित करने से मन को प्रसन्नता और इसी के साथ में शांति मिलती है। टॉपिक को मैं यहीं पे इस इन्फॉर्मेशन के साथ में वाइंड अप कर रहा हूँ। इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।